ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं। इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूं। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करें, अभी ये कह रहा है कि अभी 9 क्वेश्चन इनको बोलिए। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा, 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने ये ना सुनी नहीं, वो एक कह काम ठीक कर रहे हैं। जाट आंदोलन में इसकी शमूलियत थी, फिर मतलब बंदा पुराना जुड़ा हुआ है ना उन्होंने नाल। बिल्कुल बिल्कुल है, उन्होंने भी कह रहा कि खट्टर जिस दिन खट्टर वाला मसला होया उस दिन भी ओदे विच भेज गया इन्हां नू। 26 तरीक नू इन्हें आम लोगों ते लाठी चार्ज करना सी पुलिस दी वर्दी पाके। नहीं, उसने कहा कि सिर्फ सानू ये ड्यूटी लगाई गई है कि जेड़े एक टीम होर लगाई हुई है जिन्होंने जिहड़ा असला है वह सप्लाई करके जाना, तो इन्होंने ड्यूटी लगाई सी, तुसी उन्हां दे देख रेख करनी है कि वह असला सप्लाई कर दिता नहीं कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, ये 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ बताया? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग हैं, उनकी कितनी उम्र के हिसाब से वो कह रहा है? 9 क्वेश्चन अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूं को पंजाबी में? जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, रॉन्ग है। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चलती है, थोड़ा कंफर्म कर दो भी, 10 साल उस लेडी जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ कर दो, क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, कोई वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है, इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़की को एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया, हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केपीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। पता है मक्खन भोग बोलते हैं, मक्खन भोग ढाबा है, उसके केएफ के साथ है, नजदीक है, थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके एक ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी
उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग कर दी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था, एक ग्रुप ने ये काम करना था जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे गिराना था, उससे नेशनल सेंटीमेंट हर्ट होंगे, तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो पड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा वाला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तीसरी बात। और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं उनमें से इन्होंने चार फोटो पहचानी है, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं, तो चार लोगों की इसने फोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है, उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए, वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है बेटा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है, पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को, और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो आपको 25 डॉलर मिलेंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जैसे नहीं मौके की बात क्या करते हो, ओके ओके, तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट उस पर भी चुर गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको 2.5 लाख US डॉलर मिलेंगे, ठीक है। चलो साहब, इसकी की गारंटी है कि यदि चंगी तरह कुछ पड़ताल की जाए कि जो अंदर बंदे हो एक्टिव है उन्होंने भी पकड़ा जाऊंगा? नहीं, हम ये चाहते हैं ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान ना किया जाए। एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको 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 रुको, हरियाल मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको, बिठा दो, इसको बिठा दो, होया यार हो। मैं कह जा बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करा के एक बार सुनो, इनको एक बार सुनो, बात सुनो, ये दसो कि ये सारे घटनाक्रम का जिम्मेवार सरकार नु मानदे हो कि प्रशासन नु मानदे हो? सरकार नु। हां जी, सरकार नु, सरकार नु मानदे हो? जेडी केंद्र सरकार नु, हरियाणा सरकार, हरियाणा दा केंद्र इको सरकार है, इको सरकार, ये जांच का सब्जेक्ट है, ये तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ प्लान सरकार ने करवाया, सरकार दी एजेंसियां का काम करदी, मतलब ये जांच होनी चाहिए। एक मिनट, हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डार रखा है कि आपके परिवार का जे करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। ठीक है साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो छोड़ो, जो हो गया क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या रुक जाता जी, मेरी मिनट सुनो, वो आ गया, मैं पुलिस काबू।